हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, NPCIL द्वारा जो यहां पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो है आपके ककारपुर गुजरात साइट में ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन, जिसकी लास्ट डेट आपकी 10 फरवरी 2020 रहेगी। बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जो कि फ्रेंड्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए इन्वाइट की गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रेड वाइज, तो देखिए फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कोपा और वेल्डर की वैकेंसी रहेंगी, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 90 रखी गई हैं। साथ में फ्रेंड्स, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 1 साल का रहेगा और यहाँ पर जो एलजीटी कंडीशंस हैं वो आपकी आईटीआई आपकी रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर ये ट्रेड है इसमें आपने आईटीआई की हुई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो अन्य योग्यताएं हैं इसमें फ्रेंड्स, आपकी जो एज है वो कम से कम 14 साल और मैक्सिमम जो है 24 साल आपकी होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने पहले इसमें अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर जो पहले प्रशिक्षण छोड़ चुके हैं, उनके लिए फ्रेंड्स ये आवेदन नहीं है, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ शारीरिक मापदंड, फिजिकल मेजरमेंट भी आपको यहाँ पर क्रॉस करने होंगे, जिसके लिए फ्रेंड्स जो आपकी ऊंचाई है वो कम से कम 137 सेंटीमीटर और जो आपका वजन है वो 25 किलो 400 ग्राम होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका स्टिपेंड है, मतलब भत्ता है, वो आपको कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स अगर बात करें कोपा के लिए तो यहाँ पर 7,700 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे और बाकी की जितनी भी ट्रेड्स हैं इनके लिए आपको 8,050 रुपये पूरे हर महीने आपको यहाँ पर भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए फ्रेंड्स जो रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट द्वारा वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है और यहाँ पर जो चयन है वो आपके आईटीआई का जो स्टैंडर्ड है आपका, उसके आधार पर जो भी उसका जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है उसके आधार पर आपका इसमें सेलेक्शन किया जाएगा। और फ्रेंड्स जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको यहाँ पर रिपोर्ट करते समय जो आपका पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र होता है या और आपके संबंधित संस्थान से जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अवधि 1 साल की आपकी रहेगी और इसके में आपको कोई भी परिवहन और जो हॉस्टल सुविधा होती है वो आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो आपको जो भत्ता मिलेगा उसमें ही आपको सर्वाइव करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यदि आप इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और साथ में फ्रेंड्स जो भी आपका उक्त जो आपका पंजीकरण संख्या है वो आपको शो करनी होगी। अब यहां पर आप इसको कैसे आवेदन करेंगी उसकी डिटेल आपको यहां दी गई है, साथ में इस आपके जो फॉर्म है उसको कहां पर आपको सेंड करना है तो उसका एड्रेस आपको यहां पर दिया गया है, जो कि आपको अपने जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर आपको जो है सेंड करना होगा 10 फरवरी 2020 से पहले। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स जो पेज नंबर 5 है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, आप किस ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपका फोटो आपको यहाँ लगाना है, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपका रीजन मतलब रिलीजन और उसके बाद आपका जो यहाँ पर श्रेणी है, आपका मैरिटल स्टेटस, आप पीएच कैंडिडेट हैं या नहीं है, आधार कार्ड संख्या आपकी अनिवार्य है तो वो आपको यहाँ लिखनी होगी, आपका जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना है, आपका एड्रेस आपको देना है, बाकी आपके जो मोबाइल है, मेल आईडी है, आपकी हाइट, वजन और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे मान लीजिए आपने 8वीं, 10वीं या फिर उसके अलावा आईटीआई जो भी आपने पास आउट किया हुआ है वो आपको यहां पर फिल करना है और साथ में संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना है दिए गए एड्रेस पर और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर जो भी आपका फॉर्म है वो सिंपल डाक के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, सिंपल डाक के द्वारा आप इसको सेंड कर दीजिए और यहां पर आपसे कहा भी गया है कि पासपोर्ट आकार का जो फोटो है वो चिपका कर आपके जो भी दस्तावेज हैं उनको सत्यापित करके आपको निम्न पते पर सेंड करना होगा। तो ये चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। यदि आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आप अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको jobrasta.com का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर भी आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है कि कैसे आप न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, बाकी की जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।